हे गाइस, मेरा नाम है नितिन सिंह एंड वेलकम बैक टू इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको लाइव मेरा सोनब्रू का इंटरव्यू करके दिखाने वाला हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी कतर एयरवेज की, जिसमें कि मैंने सारा एक एप्लीकेशन प्रोसेस बताया था। उस एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने मेरे खुद के लिए अप्लाई किया था, मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। अब मैं उस इंटरव्यू को दूंगा, सोनब्रू इंटरव्यू को दूंगा, उसकी इंटरव्यू मैं लाइव रिकॉर्ड करने वाला हूँ यहाँ पे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट सीरियस एंड मे बी मैं ऊपर से दूंगा, बट आपको सारे क्वेश्चंस और सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आपको इंटरव्यू अच्छे से देना है जो जो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन्विटेशन टू कम्प्लीट अ वीडियो इंटरव्यू फ्रॉम कतर एयरवेज By 5 जनवरी 2022 by 18:29:00 GMT जो होता है। हाय नितिन कुमार सिंह, दिस थैंक यू फॉर एप्लीकेशन टू कतर एयरवेज एंड प्लीज टेल यू दैट ये सारी चीज़ें हैं। कस्टमर पोजीशन जो इंटरव्यू टाइटल है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट इंडिया 2021। क्लोजिंग डेट जनवरी 5, 18:29। कम्प्लीट योर इंटरव्यू बाई वीडियो इंटरव्यू, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा कोड है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर दूँ। अगर आपको इस वीडियो के लिए इनविटेशन आया है तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपको क्लीन शेव करनी है, आपको प्रॉपर टाई पहननी है, एक अच्छा सा शर्ट पहनना है, बैकग्राउंड जो होना चाहिए बहुत ही सटल और क्लीन होना चाहिए, आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए, आपके बाल कॉम्ब होने चाहिए। अगर आप फीमेल हो आपके बाल अच्छे से बंधे होने चाहिए, आपकी जो ड्रेस है कपड़े हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए और गाइज नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ और एक कि आपके फ़ोन पर कोई इंटरप्शन ना हो, कोई फ़ोन वगैरह ना आए, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे, इंटरव्यू दोगे, तो शायद आपकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरनेट। अगर आप वीडियो इंटरव्यू जाके दे रहे हो, ये वाली इंटरव्यू जाके दे रहे हो, तो सबसे पहले एक काम करो, किसी और थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का फ़ोन ले लो, उनके फ़ोन में आप ऑन कर दो हॉटस्पॉट और आपके फ़ोन में ऑन कर दो वाईफाई, सारे के सारे नोटिफिकेशंस वगैरह साइलेंट क्लोज कर दो, इवन वाइब्रेशन भी हटा दो, वाइब्रेशन हटा के साइलेंट कर दो, तो कोई आपको कॉल नहीं आए, कोई मैसेज नहीं आए। व्हाट्सएप को फोर स्टॉप कर दो, वो ऐप इन्फो में जाके व्हाट्सएप को फोर स्टॉप कर दो, जो जो फ्रीक्वेंट ऐप्स आपके हैं वो उनको आप बंद कर दो। उसके बाद में जो आपका वाईफाई है दूसरे बंदे के फ़ोन, आपका वाईफाई ऑन करके दूसरे बंदे का हॉटस्पॉट आप लेके आप इंटरव्यू कंप्लीट करो। इट विल मेक श्योर दैट यू हैव नो इंटरप्शन इन मिडिल। सो गाइज, ये इंटरव्यू मैं फ़ोन में देने वाला हूँ, लैपटॉप में देने वाला था, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरनेट इतना फास्ट इनफ नहीं है कि मैं लैपटॉप में दे पाऊँ, तो अब मैं फ़ोन में दूंगा, फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, शायद वॉइस ओवर करूँगा, जितने टाइम का इंटरव्यू रहेगा आपको वो दिखेगा, और मैंने जो सारी बातें बताई हैं उसको आप ध्यान में रखना। चलिए शुरू करते हैं फोन में। सो गाइज, जब आप सोनब्रू ऐप ओपन करोगे, आपको एक कोड आएगा ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है PXX, तो ये आपको वहां पे डालना है। और वो डालने के बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो पासवर्ड डालने के बाद में जब आप लॉग इन करोगे तो आपका जो एक इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम टू कम्प्लीट, अबाउट दिस इंटरव्यू, सारी डिटेल्स रहेंगी। ये जब आप ओपन कर लोगे उसके बाद में आपको सबसे पहले इंटरव्यू प्रैक्टिस करने का ऑप्शन आएगा। वहां पर चीजें लिखी होंगी कि आपको बैठना कैसे, आपको बोलना कैसे, आपको ड्रेस कैसे करना है, आपको देखना कहाँ पे है, ये सारी चीजें उस इंटरव्यू के बारे में रहेंगी। तो आपको वो ध्यान से देखना है, आपका जो फोन स्टेडी रखना है, वो सारे आपको जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे आएंगे। एंड आफ्टर दैट आपको ये एक मतलब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आप देखोगे कि मेरा जो फेस है वो पूरा कैमरे के अंदर है, इसका मतलब जो मेरा फेस है वो कैमरे के अंदर होना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस जब मुझे लगेगा ठीक है तो मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद में आपको जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे आया है, टाइम टू रीड है 1 मिनट 15 सेकेंड एंड आंसर करने का है 1 मिनट। क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एज अ बीइंग द की गोल ऑफ दिस रोल। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए, हाउ लॉन्ग यू हैव टू आंसर द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड
एंड प्रेस अगेन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपका आंसर जल्दी खत्म होता है तो प्रेस करके आप खत्म कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिस इंटरव्यू का, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। क्वेश्चन रीड करने के लिए, सोचने के लिए 45 सेकंड और आंसर करने के लिए 1 मिनट 30 सेकंड का आपको टोटल टाइम मिलता है। तो आप जब आपका आंसर हो गया, आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा टाइम था और आपने जल्दी खत्म कर दिया, तो आप उसको यहाँ पे प्रेस कर सकते हो और जैसा मैंने प्रेस करके खत्म कर दिया, ये हो गया। आप प्रैक्टिस कितनी भी बार कर सकते हो, जितनी बार आपको देखना है, जितनी बार आपको करना है आप वो कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो हो जाएगा तो आपका फिर एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे रहेगा ग्रीन बटन, री प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आपका स्टार्ट इंटरव्यू फिर से कर सकते हो। आपको एक डिस्क्लेमर आएगा, फिर आपको उसको कंटिन्यू करना है, आपको फ्रेम में सेट होना है। और मैं इस वीडियो में अच्छे से कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं अच्छे से, क्योंकि मैं मतलब जस्ट एक डेमो दिखाना था मुझे आपको। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस रैपिड चेंज, हाउ डिड यू हैंडल द सिचुएशन। ये क्वेश्चन था। अगर आपको पूरा टाइम क्वेश्चन का नहीं चाहिए तो आप वहां पर क्लिक करके आपका आंसरिंग शुरू कर सकते हैं। आपको 2 मिनट की आंसरिंग रहती है। ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नेचर टू नेचर। तो मैंने अब लगभग 30 सेकंड लिए हैं इसको पढ़ने के लिए। और देखिए 30 सेकंड के बाद में मैंने क्लिक करता हूं, अब मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया और मैं 2 मिनट का आंसर है जो उसको दूंगा। गाइज अगर बात करें इसमें आंसर आपको क्या देना है, तो मैंने जो आपको सजेशन देना चाहूंगा वो होगा कोविड का। आप बोल सकते हो कि सर मैडम ड्यू टू द कोविड सिचुएशन इट चेंज्ड आवर लाइफ कम्प्लीटली, क्योंकि हमारी जॉब्स चली गई, हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी वो चली गई। और आपने हैंडल कैसे किया उसको आप बोलो कि फैमिली के सपोर्ट से यूनिवर्सली हम एक दूसरे के साथ मिलके मास्क लगा के, सैनिटाइजर यूज करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हमने सिचुएशन को हैंडल करा एंड वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट द प्रॉब्लम और मे बी टू स्टॉप द कंटेजियस, जो भी जो कंटेजियस बीमारी है इसको या फिर इसका जो स्प्रेड है उसको हम कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये आप एक आंसर दे सकते हो। जैसे ही आपका आंसर हो गया, आपको लगता है कि आप खत्म हो गए, आप बैठे मत रहिए, आप टाइमर को कर दीजिए स्टॉप। जैसे कि मैं अभी टाइमर थोड़ा 2-4 सेकंड में टाइमर स्टॉप कर दूंगा, जब मेरा आंसर खत्म हो जाएगा तो ये मैंने टाइमर अभी स्टॉप कर दूंगा मैं। तो ये सारा जो आंसर है आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। और ये मैंने खत्म कर दिया पहला क्वेश्चन। अब मैं आता हूं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है यू हैव नाउ 2 मिनट्स टू ऐड एनी फर्दर कमेंट्स यू मे हैव। इसमें टाइम टू रीड है 1 मिनट, टाइम टू आंसर है 2 मिनट। आपको 2 मिनट मिलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो और आपको जो आपके बारे में बताना है, आपकी पढ़ाई के बारे में बताना है, आपको इस रोल के लिए इन्वाइट क्यों आए इसके बारे में बताना है, और आप कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल हो इसके बारे में बताना है। और ये जो इंटरव्यू है ये थोड़ा सा ऑड लगता है आपको कि यार ये क्या है, बट रिमेम्बर कि ये इंटरव्यू कोई ना कोई इंटरव्यूअर देखेगा और जब वो देखेगा तो उसको लगना चाहिए कि हाँ आपको एक्चुअल इंटरव्यू में बुलाने का कोई मतलब है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप उतना ही बोलिए जितना आपको आता है। डोंट ब्लफ, डोंट हेजिटेट टू स्पीक समथिंग विच यू लाइक टू स्पीक। आप बीच में अटकिए मत और बिना अटके आप पूरा इंटरव्यू दीजिए। यहाँ पर मैंने सेम चीजों के बारे में बताया जो मैंने आपको बताया आंसर करने के लिए। आपके बारे में बताइए, आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, शायद मेरे पास ना हो बताने के लिए बट आपके पास है। तो प्लीज उन सभी चीजों को शेयर कीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका आंसर है वो खत्म हो चुका है, आप सिंपली आपका जो इंटरव्यू है उसको कर दीजिए फिनिश। और फिनिश करने के बाद में आप वेट करिए, देखिए कि आपका जो पेज है वो कम्प्लीटली वो चेंज हो चुका है। जैसे कि मेरे अभी केस में अभी मैंने इंटरव्यू कर दिया है बंद, और ये देखिए जो ये पेज है चेंज हो गया। तो पहला जो आपको ये ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन टिक होने तक आपको वेट करना है इस पेज पर, इसको क्लोज मत करो। इसका मतलब ये इंटरव्यू सिस्टम में फीड हो रहा है, और जैसे ही ये फीड हो जाएगा आप इस इंटरव्यू के पेज से बाहर निकल सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली आप जो इस इंटरव्यू के पेज से निकल जाओगे, ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, आप लॉग आउट कर दोगे। सो बेसिकली इन द इंटरव्यू 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। पहला क्वेश्चन था कि ये आपका जो एक रैपिड चेंज था आपकी लाइफ में वो कब आया,
और कैसे आया और आपने उसको हैंडल कैसे किया। तो गाइज इसका आंसर जो है आप कुछ भी दे सकते हो, यू कैन गिव द आंसर एज कोविड एज वेल, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो कोविड था इसने एक रैपिड चेंज हमारी लाइफ में लाया, इसको हैंडल कैसे किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली का कुछ बता सकते हो। उसके बाद में जो सेकेंड क्वेश्चन आया वो आया कि गिव यू हैव 2 मिनट्स टू ऐड एनी फर्दर कॉमेंट्स, उसमें आप कुछ भी आप आपके बारे में बता दो या फिर आप उनको बोलो कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो, देन यू नो लेट मी कम टू द वेन्यू टू गिव द इंटरव्यू एंड दैट्स हाउ यू कैन लाइक प्रेजेंट योर सेल्फ। टोटली 5-6 मिनट का टाइम होता है, हर एक क्वेश्चन को रीड करने के लिए 1 मिनट और आंसर करने के लिए 2 से 2.5 से 3 मिनट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल फिर पोर्ट्रेट फिर हॉरिजॉन्टल फ्रेम दिखेगा, बिकॉज लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा, लैपटॉप में हुआ नहीं है, और ऐप को तब तक क्लोज मत करो जब तक ये टिक ग्रीन टिक नहीं आ जाता है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इसको प्लेलिस्ट में ऐड करके रख लो आपको अगर नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत पड़ी, और इसको शेयर करो भाई, इसको शेयर करो प्लीज़। ऐसा मैंने पहली बार करा कि मैंने इंटरव्यू दिया लाइव और उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसको मैं इंटरनेट पर डाल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।